तो स्मारक के ऊपर चढ़ना और तोड़ फोड़ करना और अंदर बाहर करना, ये सब यहाँ पे दंडनीय अपराध है। तो आप ये करने से बचें। और हम लोग ढूंढ रहे हैं यहाँ पारस पत्थर, जिसको ले जाके हम बहुत बड़े अमीर बन सकते हैं। भोपाल ब्लॉक से भी सतीश, तो ये भाई लोग हैं, ये भाई लोग सर्च करके मेरा चैनल, और ये भी आने वाले हैं। तो न्यू सब्सक्राइबर 4 सब्सक्राइबर, न्यू सब्सक्राइबर आप डालेंगे भोपाल ब्लॉक से भी सतीश आ जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं फुल वीडियो में भोपाल। तो रायसेन किले में आपका स्वागत है, और मैं हूँ अभी बेसिकली रायसेन किले पे, और ये भोपाल से करीब 45 किलोमीटर पड़ता है। तो ये जो आप सामने देख रहे हो, मेरे पीछे देख रहे हो, ये है रायसेन किला। तो ये है यहाँ का दरवाज़ा, और भाई लोग रील्स बन रही है, ब्लॉग, भोपाल ब्लॉग। अच्छा, तो बाकी आप यहाँ का ये देखिए, अभी कुछ तो जंजर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी देखने के लिए है। जैसे आप इधर का महल देखिए, और अपन फिर सामने का देखिए, और इसके अलावा बाकी ये देखिए। तो अभी हम लोग चलते हैं सामने, देखते हैं सामने एक बहुत ही शानदार गुंबज है, तो उसको अपन देखते हैं कि उसमें क्या है। और यहाँ पे पारस पत्थर छिपा हुआ है, लेकिन वो आज तक किसी को ढूंढने पे भी नहीं मिल पाया कि वो कहाँ पे है। तो ये है इसका मेल महल। अभी क्या है, अभी थोड़ा झंझर या झज्जर भी होने लगा है, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है। बाकी महल तो बहुत ही शानदार, अगर इमेजिन करो कि अगर ये पहले होता तो कितना ही अच्छा देखने को मिलता। और बाकी यहाँ पे तालाब है सूखा सा, ये को बाबड़ी बोलते थे हम लोग, तो थोड़ा सा इसमें पानी भी है। तो इसको अपन बाबड़ी भी बोलते थे। बाकी ये महल तो अगर आप पहले होते, पहले के ज़माने आप देख रहे हैं, तो महल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार था। बाकी ये दीवारों का आप वो देखिए, मतलब जो भी स्तंभ यहाँ पे हैं, तो स्तंभ देखिए कितने ही मजबूत स्तंभ इनके बनाए गए हैं। और तालाब जिसका पानी बेसिकली अभी गंदा हो चुका है, और यहाँ पे एक गुंबज भी है। भाई ये अंदर से जाने आने का अंदर से ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी से आप नीचे जाओगे और तालाब में कूद कूद के नहाओगे, और उधर से भी वो सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये इसका भी गेट बंद हुआ है, ये कुछ पुराने। तो वैसे घूमने के लिए ये जो किला है बहुत बड़ा किला है, मतलब आप यहाँ घूमना चाहो ना, अगर अच्छे से घूमना चाहो तो आपको ये मतलब बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये एक और किला देखिए, आप जितना ही देखो उतना ही अल्टीमेट है। और ये मुझे लगता है अभी से बना, इसकी जो मतलब फिनिशिंग है वैसा लग रहा है हाल का ही बना हुआ है। तो मैं चलता हूँ अभी और अंदर। किले का नक्शा भी है, सब भी है, लेकिन नक्शे के आधार पे चलता नहीं। हाँ यार, ये कौन सा प्रांगण है ना, इसे क्या बोलते हैं। तो ये सामने कुछ तोप वगैरह रखी हुई है, और ये कुछ तो है यार। बाकी आप यहाँ पे देखिए, मतलब ये कोई प्रांगण है, राजीव इसको क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, कलाकृति दिखाने के लिए दीवार। अरे नहीं रे। तो अभी हम निकलते हैं, और बाकी आप अंदर देखोगे बाहर देखोगे बहुत ही अच्छा ये महल है। और ये है एग्जिट गेट, पुराने ज़माने का एग्जिट गेट, बहुत ही प्यारा रहा होगा, मुझे आज देख के लग रहा है। और बाकी तो यहाँ से दूसरा भी महल आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, ये सनसेट पॉइंट, ये है रायसेन का किला, ये रायसेन का किला। और अभी क्या है, अभी ये इसका संरक्षण नहीं हुआ इसलिए थोड़ा खंडहर हो गया। और ये है रायसेन सिटी, और ये है इसके बाहर का नज़ारा। तो अभी होने वाला है 5 o'clock, तो 5 o'clock बज चुका है, तो अब हम लोग निकलते हैं भोपाल के लिए। तो बाकी यहाँ का व्यू देखिए यार,
व्यू देख के मज़ा आ जाएगा सामने, है ना। तो हम लोग की हो गई जर्नी कंप्लीट और आज हम लोगों ने 200 किलोमीटर गाड़ी चलाया। राजीव ने 150 किलोमीटर चलाया और मैं 200 किलोमीटर, है ना। हम दोनों ने क्या किया कि सांची गए, सांची से घूमते हुए फिर उधर उदयगिरी गए, उदयगिरी से घूमते हुए मतलब वहाँ पे मैंने 3-4 सांची स्तूप देखे, बहुत सारे सांची स्तूप, मतलब 10-15 किलोमीटर में सांची स्तूप बहुत सारे थे। तो हम लोगों ने वो सारा घूमा और लास्ट में हम लोगों ने घूमा ये रायसेन का किला जो आप पीछे देख सकते हो। तो अब यहाँ से हमें निकलना है भोपाल, तो अब हम लोग निकलते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा पता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर करना है ना। बाकी ये किला अभी अभी भी वो एक बंदा मिला था, वो बोला अभी भी मतलब यहाँ लड़ाई दंगे कुछ चलते रहते हैं। वो बोला कि शायद कुछ विवाद इस पर यहाँ पे कुछ है, तो यहाँ पे बाकी रिकॉर्डिंग करने के लिए ऐसे अलाउड रहता नहीं है और पता नहीं क्या क्या वो बोला, मेरे समझ में नहीं आया। तो अब हम लोग उतरते हैं नीचे और चढ़ने में हम लोगों को बहुत मेहनत लगी, लेकिन नीचे उतरने में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मेहनत लगेगी। ऊपर चढ़ने में हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी ना जी, और नीचे चढ़ने के लिए मतलब नीचे चढ़ने में बहुत ईजी रहा। बाकी यार ये जो राशन के सामने का ये नज़ारा है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अभी तो हम लोग पहाड़ के बहुत ही ऊंचाइयों में, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों में। ड्रोन की ज़रूरत थी यार, अगर ड्रोन होता तो मज़ा आ जाता। आज मैं भास्कर को बहुत मिस किया वैसे नज़ारे देखो भैया, नज़ारे भास्कर भैया नज़ारे देखो, मज़ा आएगा। अभी से धुंध है। हाँ अभी से धुंध है। बाकी ये तो अपना चलता ही रहता है GoPro वगैरह वगैरह। और ये है राजीव और ये है किला का बुलंद दरवाज़ा, हम इसे बोलते हैं किला का बुलंद दरवाज़ा। इसे गिराना आसान नहीं है। हाँ इसे इस बुलंद दरवाज़ा को गिराना आसान नहीं है, मतलब बहुत ही मुश्किल है। तो अभी हमें जंगलों के बीचों बीच और हम रनिंग करते हुए यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ ये देखिए पत्थरों के बीचे बीच हम निकल रहे हैं नीचे और बहुत दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन क्या करें, बयान नहीं कर सकते क्योंकि हमको वापस भी जाना है। और बाकी ये सामने का व्यू देखो आप, दोनों तरफ से पेड़ पौधे हैं, बीच में पत्थरों की रोड बनी हुई है, सीढ़ी नुमा रोड यहाँ बनी हुई है। तो अब निकलते हैं और फाइनली अब हम तुम निकलते हैं, तो अब मिलते हैं भोपाल में। ओके बाय बाय। और अच्छा राजीव को भी बहुत मज़ा आया यहाँ पे, तो हम दोनों लोग निकलते हैं।